हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं एपिसोड 2 लेके। एपिसोड 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। थैंक थैंक यू सो मच मेरे फर्स्ट एपिसोड को इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए और इतने पॉजिटिव फीडबैक्स देने के लिए, इतने पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। आई सीरियसली डिडेंट एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड इट, बट मेरे फर्स्ट एपिसोड के भी 1.1K व्यूज़ मिले मेरे को। सो थैंक यू सो 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 मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। इसके बिना पॉसिबल नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड एपिसोड। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। एपिसोड 2 के लिए, जैसा मैंने एपिसोड 1 में कहा था कि अभी मुझे आए कुछ दिन ही हुए हैं, तो अभी तक हमने कैसा एक्सपीरियंस किया है उस बारे में मैं शेयर करूँगी कि कैसा था। तो जब हम लोग यहाँ आए थे तो उस टाइम में कंपलसरी था सेकेंड डे कोविड टेस्ट। तो सेकेंड डे कोविड टेस्ट के लिए हम लोगों ने सेल्फ टेस्ट किट ही ऑर्डर कर लिया था, एंड वो स्वैब से आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। यू हैव टू अपलोड दैट रिजल्ट्स ऑन वेबसाइट, और उसके बाद मतलब वो अपलोड कर दीजिए। अभी वाले में था, बट हाउ एवर अपेरेंटली मैंने सुना है क्योंकि केसेस वगैरह बढ़ गए हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी और ज़्यादा टफ हो रहे हैं, तो दे हैव स्टॉप्ड दिस सेल्फ टेस्ट किट थिंग। आपको प्रॉपर RT-PCR करवाना पड़ेगा आई थिंक। और रही बात, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं UK में कहाँ रहती हूँ। तो आई एम स्टेइंग इन पीटरबोरो। तो अब पीटरबोरो में रहने का जो रीज़न है वो ऐसा था कि मेरी कज़न दी है जो यहाँ पास में ही रहती है पीटरबोरो में ही, और जब मेरे हस्बैंड घर ढूंढ रहे थे यहाँ पे, तो शी सजेस्टेड कि यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर हम जैसे लंदन में लेंगे तो सेम उसी मतलब उसी प्राइस में लंदन से ज़्यादा स्पेशियस और अच्छा आपको मतलब घर यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मोर ओवर वो तो साथ में रहती हैं, एंड फॉरेन कंट्री में आपकी फैमिली आपके साथ हो तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो दैट्स वाई वी आर स्टेइंग इन पीटरबोरो, एंड इट्स रियली गुड सिटी। मीन्स इट्स गुड। मैं किसी दिन आपको अपने एपिसोड में अपना घर भी दिखाऊंगी। सिंपल सोवर अच्छा है, अपन को बहुत ज़्यादा बड़े का करना भी क्या है क्योंकि यहाँ पे तो सारा काम भी खुद ही करना पड़ता है। तो यस, सो दैट्स वाई वी आर स्टेइंग इन पीटरबोरो। और एक्चुअली दी का बेटा भी मेरे बेटे के बराबर ही है, तो उसको भी एक कंपनी मिल जाती है खेलने के लिए। तो एंड मोर ओवर दी जो है वो यहाँ पे 2-3 सालों से है यहीं पे, तो उनको अच्छा आइडिया भी है। तो यस, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ पीटरबोरो में रहेंगे। एंड उसके अलावा हमने क्या क्या किया। ओके, ये जो फ्लैट था हमारा, जैसे सर 2 BHK, यहाँ पे UK में इट इज़ कंपलसरी कि अगर आपका 1 BB है तो यू नीड टू हैव 2 BHK, एंड इवन 2 BHK थोड़ा बेटर भी रहता है क्योंकि स्टिल इट इज़ यू नो मोर स्पेशियस देन 1 BHK। 1 BHK बहुत ज़्यादा एकदम छोटा सा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी 2 BHK है। फर्निशिंग वाइज हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा बिकॉज इट वाज़ फुली फर्निश्ड। इसमें सारा फर्नीचर, पूरा मेजर सामान सब था, केवल यूटेंसिल्स वगैरह नहीं थे। और बेसिक चीज़ें जैसे होती है ना कि मतलब वेरी बेसिक व्हाट आई विल से कि जैसे मेनली तो मतलब जैसे डस्टबिन्स वगैरह या इस टाइप की बेसिक चीज़ें, छुटपुटिया चीज़ें नहीं थी, बाकी एवरीथिंग इज़ देयर। और सबसे अच्छी बात है इस घर की कि तो मतलब यहाँ पे मतलब वो रहता है ना कि आपको यहाँ पे आके बहुत सारा काम करना पड़ेगा घर का, क्योंकि मेड्स वगैरह का सिस्टम यहाँ पे इतना नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि पूरे घर में एक्चुअली कारपेट वगैरह है, तो आप हफ्ते में एक बार भी वैक्यूम क्लीनर करोगे तो काम चल जाता है। इतना
कुछ वो रहता नहीं है। एंड और उसके अलावा इन 15 दिन में हमने वही मेनली हुआ तो सेट तो हम फटाफट हो गए थे, बिकॉज़ यू नो कि मेन फर्नीचर अगर सारा घर पे है तो आपको बहुत ज़्यादा यू नो भागा दौड़ी या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली वी हैड टू जस्ट अनपैक आर बैग्स एंड जस्ट स्टार्ट विद इट। तो विद इन 1 डे हम लोग मतलब सेट हो गए थे कि यस मतलब किचन स्टार्ट होना इज़ आपका घर सेट हो गया। अगर किचन में 3 टाइम का खाना आपका बन गया दैट मीन्स कि आपका घर अच्छे से सेट हो गया है। तो वो चीज़ हो गई थी, उसमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। एंड उसके अलावा क्योंकि अभी मेरा बेबी जैसे 4 इयर्स का हो गया है तो उसके लिए हमने स्कूल वगैरह भी देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे हर नियर बाय लोकेलिटी में स्कूल्स रहते हैं कि आपको जैसे यहाँ पे क्या है अपने जैसे इंडिया में ऑटो रिक्शा वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे पीपल प्रिफर के वॉक करना है या मतलब यू नो तो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी मैंने देखा कि स्कूल हुआ, सुपरमार्केट हुआ, एवरीथिंग इज़ वेरी नियर। मतलब 10-15 मिनट में आप पहुँच जाओगे। अभी जैसे मैंने बेबी को स्कूल में करवाया है तो 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो सो इट्स गुड। तो उसका भी स्कूल करा दिया तो उसका भी एक बढ़िया शेड्यूल हो जाता है अपना कि उसका भी एक सुबह स्कूल जाना आना। सॉरी। सो ऐसा था। तो उसका स्कूल वगैरह हो गया, घर वगैरह सेट हो गया। माइंड चेंज के लिए यहाँ पे दीदी है ही, कभी भी उनके घर चले जाओ वो मेरे घर आ जाती है। सो यस लाइफ इज़ गोइंग गुड एक्चुअली। और टाइम मेरा बढ़िया से पास हो जाता है, टाइम पास में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि थोड़ा अपना घर पे वीडियो कॉल वगैरह कर लिया। और मैं थोड़ा डेली सोप देखने वालों में से हूँ, ऑल दो नाउ डेज गर्ल्स थोड़ा कम प्रिफर करती है और कम देखती है, बट मैं थोड़ा डेली सोप पसंद करने वालों में से हूँ। तो मैंने अपने 4-5 एपिसोड्स बांध रखे हैं, उनको देखने करने में ही अपना थोड़ा काम किया, देखा, आराम किया, दिन खत्म। तो ऐसा रहता है मेरा शेड्यूल। मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड्स ऑनवर्ड्स एक बार आपको अपना घर पे दिखाऊंगी, जस्ट इन केस आप लोग अगर यूके मूव होना चाह रहे हैं तो पीटरबॉरो इज़ अ गुड ऑप्शन। घर स्पेशियस है, अच्छा है। मतलब आप देखो अपनी छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आपको कितना बड़ा घर चाहिए, राइट? तो सिंपल सोबर अच्छे घर है यहाँ पे और इन बजट है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहता है घर वगैरह। और रही बात यहाँ के वेदर की, तो वेदर के बारे में हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब मेरे से खुद से लंबे लंबे मतलब वीडियोस सुने नहीं जाते, हूँ तो इंजीनियर ही ना, तो लंबे लंबे ना लेक्चर सुने जाते थे ना लंबे वीडियोस सुने जाते हैं। तो तो कुछ चीज़ें वो मैं नेक्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड्स आपसे शेयर करती हूँ। तब तक आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जैसा रिस्पॉन्स आपने मेरे फर्स्ट एपिसोड को दिया है प्लीज़ सेकेंड एपिसोड को भी दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट इंटू बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया। तो मतलब मेरे उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं कि भाई इधर डाल दिया उधर डाल दिया। तो इसलिए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ शोवर योर लव ऑन मी एंड योर सपोर्ट ऑन मी। थैंक यू, फिर मिलते हैं एपिसोड 3 में। बाय।